मेरे सामने एंटीलिया, मुकेश अंबानी का घर, सी लिंक वर्ली मुंबई। मैं हूँ सिद्धिविनायक मंदिर मुंबई, सिद्धिविनायक भगवान की मूर्ति। ओ दादा, लोगों को दर्शन करने दो। फिल्मों की शूटिंग भी होती है। कमला नेहरू पार्क, शू हाउस। एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रैवलिंग फैमिली। आज नाइट सफारी से हम आ गए हैं और भूख लग रही है। एंटर कर चुके हैं बिग टाइगर के केज में और हमें इंस्ट्रक्शंस दी गई है। ये है सी लिंक वर्ली मुंबई और यहाँ से नॉर्थ मुंबई से साउथ मुंबई जाने के लिए इस सी लिंक से होके जाना पड़ता है। तो ये है हमारे सामने एंटीलिया, मुकेश अंबानी का घर। यहाँ पे सिक्योरिटी बहुत है तो देखते हैं कहाँ से इसको कवर कर सकते हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि फुटपाथ पे चल के जाऊँ। सबसे ऊंची बिल्डिंग है ये एंटीलिया। ये पेडर रोड, यहाँ का सबसे पॉश एरिया है मुंबई का। यहाँ से पूरा एंटीलिया हमको दिख रहा है, आप देख सकते हैं। तो सिद्धिविनायक मंदिर, एंटीलिया और हैंगिंग गार्डन, अगर आप ये तीनों कवर करना चाहते हैं तो इसका एक ट्रिप बनेगा आपका। मैं लेके आई हूँ और उसका नाम है हैंगिंग गार्डन। तो आप बिल्कुल ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं कि मैं खड़ी हूँ हैंगिंग गार्डन पे। ठीक सामने अब आप मेरे फिर से पीछे दिखेगा वो है कमला नेहरू पार्क। तो ये दोनों पार्क एक दूसरे के आमने सामने। मुझे अभी भी किसी ने बताया कि यहाँ पे बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग भी होती है। जो लोकलाइट्स हैं वो यहाँ पे पिकनिक करने आए हुए दिख रहे हैं मुझे। तो ये है हैंगिंग गार्डन और हम यहाँ से जा रहे हैं। सामने है कमला नेहरू पार्क। बहुत सारी स्ट्रीट वेंडर्स हैं जो फ्रूट चाट बना रहे हैं, कोई जूस बेच रहा है, कोई पाव भाजी, कोई पानी पूरी। कमला नेहरू पार्क, इसके अंदर जाने के लिए देखिए। पार्क से हम देखेंगे सनसेट। ये कमला नेहरू पार्क में एंटर करते ही एक शू हाउस बना हुआ है, इसमें सब लोग अंदर जा रहे हैं, खेल रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सब अपनी अपनी फोटोग्राफ्स खिंचवा रहे हैं। यहाँ से एंटर करते ही सी पॉइंट है, तो यहाँ से दिखता है अरेबियन सी और सनसेट और पीछे मुंबई की कंप्लीट स्काईलाइन। लोगों की भीड़ आप देख सकते हैं। ये व्यू एंजॉय करने ही लोग यहाँ आते हैं। कमला नेहरू पार्क इसी व्यू के लिए मशहूर है। यहाँ से दिख रहा है मुंबई का स्काईलाइन और जब यहाँ से जब हम अंदर एंटर करते हैं तो आगे से पूरा राउंड है और उसमें हमें दिखती है सी। सेम हैंगिंग गार्डन्स की तरह डेवलप किया हुआ है, बस यहाँ पे है सी का व्यू जिसकी वजह से ये फेमस है। तो यहाँ से है सारा, जैसे जैसे आप वॉक करते जाएंगे साथ में आपके सी चलता जाएगा। तो ये है कमला नेहरू पार्क से सी का व्यू। यहाँ से आप खड़े होके सनसेट देख सकते हैं, वॉक कर सकते हैं और एक्चुअली बहुत सारे लोग अपना अपना फोटो शूट भी करा रहे हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पे भी एक सीनिक पॉइंट है, तो यहाँ पे भी लोग फोटोग्राफ्स क्लिक कर रहे हैं।
एक यहाँ पे देखिए क्लॉक का बहुत ही खूबसूरत डिस्प्ले। पहली बात तो हैंगिंग गार्डन से मच 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 बेटर है व्यू कमला नेहरू पार्क का, अच्छे से टूरिज्म के हिसाब से ही डेवलप हुआ हुआ है। मेरा मकसद सिर्फ एक वीलॉग बनाना नहीं है, मेरा मकसद है आपके लिए ट्रैवल इजी करना और आप अपने टाइम को सबसे ज़्यादा यूटिलाइज करके बेस्ट ऑफ अट्रैक्शंस देख सकें वो पॉसिबल करना, कि यहाँ पे आके आप एक पिकनिक प्लान कर सकते हैं। छोटे छोटे स्ट्रीट शॉप्स आपको आराम से मिल जाएंगी। तो मालाबार हिल्स पे स्थित इन दोनों जगहों को मैंने अपने वीडियो में कवर करने की कोशिश की रही है। कंटेंट पसंद आया है तो उसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें कि ट्रैवल ईजी रहे आपकी। और मस्ट विजिट अट्रैक्शन एक्चुअली कौन सी हैं उसको बताओ। बने रहिए मेरे साथ ट्रैवलिंग फैमिली में। और अब मैं पहुंच गई हूँ सिद्धिविनायक मंदिर मुंबई। कोशिश करूँगी कि मैं अपने साथ साथ आपको भी दर्शन करा सकूँ। तो ये है मुख्य द्वार सिद्धिविनायक मंदिर। वाला मूर्ति कितने का है? 13,500 का। और ये छोटे वाले जो हैं? ये 100 से स्टार्टिंग रेट है। ये क्या मटेरियल है? ये मार्बल पाउडर है। अच्छा, मार्बल पाउडर का है। और वो भी वो ओरिजिनल मार्बल का है? नहीं नहीं, ये भी मार्बल पाउडर। ये वाला 1850 का है। और ये लटकन पेयर है 28,000 ब्रास में है? नहीं नहीं, कॉपर में। सिद्धिविनायक मंदिर में आ चुके हैं, मेन चौपाल के पास हूँ मैं। आप देख सकते हैं आज गुड़ी पड़वा पे अलग ही रौनक है और अलग ही भीड़ है यहाँ पे। तो जो सामने लोग हैं उधर की लाइन के लिए 4-5 घंटे की लाइन लग चुकी है, तो उस लाइन को नहीं हमने ज्वाइन किया, हम दूसरी तरफ से आए हैं। यहाँ पे चढ़ा के हम पूजा का सामान, तो आप देख सकते हैं बहुत ही रश है यहाँ। और सामने है सिद्धिविनायक भगवान की मूर्ति। ओ दादा, लोगों को दर्शन करने दो, अभी मैंने कोशिश की है थोड़ी सी वीडियो, पर पुलिस हमें पूरी तरह से, वो क्योंकि वो चाहते हैं कि सब लोग दर्शन कर सके, और अगर सब लोग वीडियो रिकॉर्ड करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए उम्मीद करती हूँ आप सब लोग मेरे साथ दर्शन कर पाए होंगे। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको पसंद आई होगी मेरी वीडियो। भगवान से आशा करती हूँ कि सबको सद्बुद्धि दे और सबकी स्वास्थ्य की रक्षा करे। तो ये था आज हमारा सिद्धिविनायक का सफ़र। बने रहिए ट्रैवलिंग। ये था हमारा सिद्धिविनायक मंदिर का सफ़र। आज गुड़ी पड़वा के अवसर पर मैं आपको सिद्धिविनायक मंदिर लेकर आई। रश तो बहुत है, पर मैंने पूरी कोशिश करी कि मैं भगवान के दर्शन आपको करवा सकूँ। थोड़ा सा धक्का मुक्की और पुलिस के चक्कर में हम नहीं करवा पाए, मतलब जितनी मैंने कोशिश करी, क्योंकि वहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं थी और वो चाहते थे कि सभी लोग दर्शन कर सके। भगवान का आशीर्वाद आप सब तक पहुँचे, मेरी यही मनोकामना है, और सबका स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए।